Hi guys, this is Aayushi Joshi and you are watching me again on IAS. So, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करते हैं तो टुडे इज 16th ऑफ अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदूज टुडेज एडिटोरियल सेक्शन. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दिस. आज का हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो द स्ट्रेस टेस्ट है. What is stress test? How it works? And क्यों ये article important बन जाता है? तो देखिए, ये हमें एक प्रत्यक्ष दिखाता है, हमें एक रूपरेखा देता है किसके बारे में, present section के बारे में. देखिए, the pandemic battle will not end soon, but normalcy will have to be restored in phases. देखिए, इसके according ये जो पेंडेमिक है COVID-19 जैसे कि हम अभी गुजर रहे हैं, इसकी एक जंग जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है. ऐसे ही लॉकडाउंस के साथ में ख़त्म नहीं होने वाली है. ये एक ऐसी बैटल है जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, लेकिन उसके साथ ही हमारे लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ में आएँ, नॉर्मल से लेकर आएँ और इसे, इस नॉर्मलसी को हमें रिस्टोर करना होगा अलग अलग फेसेस में, जिससे कि हम अपने आप को इस पेंडेमिक से, आने वाली दुविधाओं से बचा सकें. ठीक है, सो एक रिवाइज प्रोटोकॉल जारी हुआ है. जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो पेंडेमिक का लॉकडाउन पीरियड जो है उसे बढ़ा दिया गया है, 3 मई तक कर दिया गया है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स की सहमति के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है. इसके तहत हम लोगों ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है, लेकिन 20 अप्रैल से हम वो सारी चीज़ों को की शुरुआत कर देंगे जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए कंपलसरी है या हमें किसी न किसी रूप से अभी एसेंशियल सर्विसेज में आती है. ठीक है, तो 20 अप्रैल से पार्शियली ओपन हो जाएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी फिर से एक बार जो है जनरेट होने लगेगी. और इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, रीओपनिंग के लिए किसी न किसी रूप में ये ज़रूरी भी था, तो ये पार्शियल ओपनिंग है. बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, आने वाले दौर में हमें काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा और काफ़ी सारे प्रयास करने होंगे, क्योंकि पार्शियल लेवल पर भी एक लंबे, इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद में लॉकडाउन को ओपन करना, वो भी उस समय जिस समय हम ऑलरेडी COVID-19 से के स्प्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा जो है वो वाला एरिया होगा कि हमें इस, वैसे सरकार के दिशा निर्देशानुसार कुछ एरियाज़ को अभी भी, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस COVID-19 का असर देखने को मिल रहा है या COVID-19 की केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उन पर्टिकुलर एरियाज़ को अभी भी इससे, इस कार्य क्षेत्र से दूर रखा गया है. तो स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड कंटिन्यू विद अ टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल. अब स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी अपने जो लेवल है उनका, जो कंट्रोल कर रहे हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ को या इकोनॉमिक लेवल पे जो कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो इन सबको अभी भी बहुत टाइटर लेवल पर कंट्रोल करके उन्हें चलना पड़ेगा, जैसा कि सेंटर की गाइडलाइंस दी गई है. तो उन्हें उसी तरीके से कार्य करना है जो सेंटर ने डिसाइड किया है या जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. इट इज़ नाउ क्लियर, ये क्लियर है कि हमारा जो इस पेंडेमिक से जो हमारी बैटल है, इस पेंडेमिक के अगेंस्ट हमारी जो बैटल है, विल बी ड्रॉन आउट एंड नॉर्मलसी इन लाइफ विल हैव टू वेट अनटिल अ वैक्सीनेशन. देखिए, एकदम नॉर्मलसी हमारी लाइफ में जो आएगी, एकदम जो हम नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेंगे या हम जो एकदम बिल्कुल जैसे पहले हमारी लाइफ सर्वाइव कर रहे थे हम लोग, उसी टाइम पीरियड में, उसी ड्यूरेशन में या उसी स्ट्रेटजी के अंदर आते आते हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो तब तक लगेगा जब तक कि वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट जो है फाउंड नहीं हो जाता इस पेंडेमिक का. सो फॉर दैट, तब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इकोनॉमी को शट डाउन करें या इतने लंबे समय तक लोगों को घर पे रोके रखें. तो उसके लिए हमने रिलैक्सेशन के लिए एक कदम उठाया है सरकार ने. इसके तहत कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि सिटी लिमिट से बाहर की तरफ आती है, सिटीज़ के बाहर हैं, या कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन जैसे कि रूरल और अर्बन एरिया के अंदर आ रहे हैं, या सर्विस सेक्टर जो है, ये पार्शियल लेवल पर ओपन होंगे 20 अप्रैल से. ठीक है, जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे इलेक्ट्रीशियंस है, प्लम्बर्स है, आईटी रिपेयर है, या हम कह सकते हैं मोटर मैकेनिक्स हैं और कारपेंटर्स हैं, उन सबको भी अलाउ किया जाना चाहिए. वो भी अलाउ होंगे कि वो अपने छोटे मोटे कार्य को कर सकें और जो लोग उन्हें हायर कर सकते हैं वो उन्हें हायर, ज़रूरत पड़ने पे हायर कर सकें.
सो ये एक अच्छा आइडिया होगा कि अगर सरकार टेलर्स को भी इसी श्रेणी के अंदर इस गाइडलाइन के तहत इस लिस्ट में ऐड कर दे, क्योंकि वो भी एक एसेंशियल सर्विसेज है लोगों के वर्क के लिए, ठीक है। तो कि और क्योंकि हम लोग अभी एट प्रेजेंट मास्क यूज़ में ले रहे हैं, तो अगर टेलर्स को भी एंगेज किया जाता है मास्क प्रोवाइडिंग में पब्लिक या वर्क प्लेस के लिए, जो लोग काम करने के लिए जिनको अलाउ किया गया है उन सबको मास्क की जो नीड होती है जो कि अभी एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है, तो वो प्रोवाइड करवाने के लिए अगर टेलर्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया जाता है तो इट विल बी अ गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो न्यू मेजर्स ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट। अभी इस गाइडलाइंस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस जारी की गई है 15 तारीख को, उसके तहत ये भी डिसाइड किया गया है कि जो लोग कार्य क्षेत्र पर तंबाकू और गुटखा खाकर और स्पिटिंग करते हैं उन पर भी ये भी एक ऑफेंस है और आपको पनिशमेंट पे करना होगा उसके लिए भी। अभी ये नए जो रूल्स और रेगुलेशन जारी किए गए हैं उसके तहत ये डिसाइड किया गया है। जो लोग इस क्वारंटाइन को कुड फेस अप टू 6 मंथ्स इन जेल, जो इस तरह का कार्य करते हैं स्पिटिंग करने का, उन्हें 6 महीने तक जेल में बिताने होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो मेजर्स है ये हैवीली ऑन दी पुअर, देखिए पुअर लोगों पर ये काफ़ी सारे जो है ऐसे मेजर्स है जो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अगर सरकार के जो बहुत कठोर स्ट्रैटेजीज हैं वो कई सारे लोगों को एक दरकिनार कर देती है ऐसे डिसीजंस के तहत, ठीक है। So, hungry and desperate migrants have rioted in several parts of the country. कंट्री के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे भूखे और जो बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं वो अभी भी भटक रहे हैं, जिन्हें एक्चुअली काफ़ी सारा सर्वाइव करना हो रहा है, करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी सरकार को स्ट्रैटेजी इंक्लूड करनी चाहिए, एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, उसे इंक्लूड करना चाहिए ताकि लोग जो है घर में रह सकें और घर पे रहकर भी उन्हें सैलरीज पे हो सके, इंसेंटिव्स मिल सके और वेलफेयर सपोर्ट के लिए जितना स्प्रेड कर एक्सपांशन जो कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। मनरेगा आप सभी जानते हैं, जो कि एक महात्मा गांधी जो नरेगा स्कीम है उसके तहत ये एक ऐसी स्कीम है जो गरीब लोगों को पर डे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, या गरीब लोगों के लिए हर दिन एक गारंटेड इनकम का काम करती है प्रोवाइड करवाने का। तो वो अभी पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा जो ठप बोल गई है, हम कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गई है, तो प्रोग्राम विल बी अलाउड टू रीस्टार्ट, इस प्रोग्राम को भी स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि काफ़ी सारे ऐसे एफर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इकोनॉमी को भी बूस्ट अप कर सकें और कई सारे ऐसे लोग हैं जो दैनिक मजदूरी पर कार्यरत हैं उन्हें भी इस डिसीजन से कहीं ना कहीं किसी लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से हेल्प मिल सके। तो और भी जहां पे अभी रिक्वायरमेंट है कार्य करने की, अनदर एरिया इन नीड ऑफ अर्जेंट अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, पंचायत है या हम कह सकते हैं छोटे छोटे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर अभी लोगों ने डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि ऑलरेडी COVID-19 की उसके अंदर लगे हुए हैं उन सब ने बंद कर दिया है एट प्रेजेंट, बाकी सारी जो एसेंशियल सर्विसेज है मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाना, क्यों, क्योंकि वो सभी कार्य करने में जुट गए हैं COVID-19 के तहत, ठीक है। तो उनके इससे गरीब लोगों की या गांव के लोग जो हैं या जो छोटे तबके के लोग हैं उन सबको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, स्पेशली मेडिकल सर्विसेज की तरफ काम करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ स्टेट है जैसे केरला और राजस्थान है, तो उन्होंने लोकल बॉडीज और कुछ कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज की जो कि फूड और मेडिसिंस प्रोवाइड करवाएगी, अदर एसेंशियल सर्विसेज लोकल एरिया में प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आसपास के एरिया में लॉकडाउन के तहत भी कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो इस तरह की इनिशिएटिव्स लेने की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़रूरत है, और उसी के साथ में सबसे मेजरली जो सबसे बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है वो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है,
वापस जब हम फ्यूचर की तरफ अब जा रहे हैं तो कंट्री को ट्रैक पर लाने के लिए हमें मैक्सिमम लोगों को इस मास्क यूज़ करने के लिए, सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, हैंड हाइजीन के लिए, या हम कह सकते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए, सोशल बिहेवियर को चेंज करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये प्रयास सरकार को ज़रूर करने होंगे क्योंकि इसी के द्वारा हम एक सक्सेसफुल स्टेट को अडॉप्ट कर सकते हैं, या हमें इस कंट्री को, स्टेट गवर्नमेंट को, उन सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉलो करना होगा जिन्होंने इसके लिए मेजर स्टेप्स लिए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि डिसीजंस है जो सरकार को लेने होंगे, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड है जो स्ट्रेस होने का पीरियड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस होंगे हम लोग बहुत सारे इस पैंडेमिक के दौरान। कार्य क्षेत्र को शुरू करना, उसको नॉर्मलाइज करना और फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र है जो इस लॉकडाउन के दौरान पीछे रह गए हैं, तो उन सारे एरियाज़ को डेवलप करना, अगेन रीडेवलप करना और इवन अच्छे स्टेप पर लेके जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने फेस की है इस पिछले लॉकडाउन और या पेंडेमिक के दौरान। तो उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए वी हैव टू स्ट्रेस आउट आवर सेल्फ और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैव टू टेक सम स्टेप्स टूवर्ड्स इट। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, दैट इज स्ट्रेस आउट। सो हमारा जो आज का सेकेंड आर्टिकल है जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए अभी एट प्रेजेंट क्योंकि हम COVID-19 के इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, इसी के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके तहत हमने जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं अभी जो हमारे एडिटर्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द एडिटर्स आर कंसर्न अबाउट ओनली द कॉन्सिक्वेंसेज, द ऑन गोइंग सिचुएशंस एंड ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग COVID-19 और आई कैन से दिस पेंडेमिक। ओके, सो अलोंग विद दैट वी हैव टू सफर अ lot towards so many issues and for that हमें बहुत सारे issues को recover करना होगा, बहुत सारे, यही सारा जो discussion है हमारे editorials द्वारा या हमारे editors द्वारा जो editorials में किया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो second topic है वो है getting the containment strategy in India right। ओके, सो इन शॉर्ट पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है वो अपने एक्सट्रीम स्प्रेड पर है, क्योंकि वो स्प्रेड होता है, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है और होता है हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से या फिर हम कह सकते हैं सर्फेसेज से, ऐसे सर्फेसेज जो कंटेमिनेटेड हैं, तो इनसे बहुत ईजीली और फास्ट स्प्रेड होता है ना। ऑल दो अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, अराउंड 85% हैव माइल्ड सिम्टम्स, द शीयर नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड means that large number of people become seriously ill। ये एक fact है कि 85% of लोग जो है severely infect होते हैं इससे, और कई सारे लोगों के अंदर तो इसके symptoms जो है काफ़ी हद तक दिखाई भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत भयंकर बीमारी की तरफ हमें लार्ज नंबर पर लोगों को लेकर जाती है, और इसके लिए जो हमने जो दिए हैं, हमने एक गवर्नमेंट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के या फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश के, तो ये जो एडवाइस है ये स्लोली एडवाइस टू स्लो द स्प्रेड, ये जो स्प्रेड है ये एडवाइस किया गया है कि हमें इसे ये मापदंडों को फॉलो करना होगा। कंट्रीज विथ वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल सिक्योरिटी सिम्टम्स यूज लॉकडाउन्स एज अ डेस्परेट मेजर्स। देखिए कई सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉकडाउन्स को जो है एक यूँ हम कह सकते हैं बहुत भार के रूप में लिया, और एक बहुत उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है जो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने भी इस चीज़ को फॉलो किया और काफ़ी देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में हमने काम किया, लेकिन कई जगह पर हम पीछे रह गए। अब क्या पीछे रह गए हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी भी जिसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, ऐसे क्या डिसीजंस है जो अभी भी हमें लेने की ज़रूरत है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए अनप्लैंड स्टेप, सबसे पहले तो लॉकडाउन का जो एक स्टेप था वो एक बहुत सडन स्टेप था, है ना। तो इसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स को कर पाना, सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स को इफ़ेक्टिवली देख पाना, या हम ये कह सकते हैं कि देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जिसने इस लॉकडाउन को इफ़ेक्ट किया, या एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन मार्क लाके खड़ा कर दिया कि क्या इस तरह की चीज़ें
क्या इस तरह के मापदंड कहीं भी हमारे कंट्री के अंदर एक बहुत सुरक्षित मापदंड के रूप में सामने आते हैं, तो वो एक क्वेश्चन मार्क लाके खड़ा हो गया है ना। सो तो ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे गरीब तबके के लोग हैं या माइग्रेंट्स हैं जो हज़ारों की संख्या में हमने लास्ट फ्यू डेज में देखा। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी काफ़ी सारे माइग्रेंट्स थे जो एक जगह एकत्रित हुए और जिन्होंने अपने घर जाने की जो है फरमाइश रखी, या हम कह सकते हैं ऐसे कई सारी जो गरीब तबके के लोग हैं जो चौल में रहते हैं या छोटी बस्तियों में रहते हैं, क्या उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है? नहीं। काफ़ी लाखों लोग हैं जो मिलियन मतलब बहुत लंबी दूरी तय करके अपने घर पे गए, जो कुछ खाना और पानी के बेसिस पर चल के अपने घर तक पहुँचे, क्या उनके लिए ये पॉसिबल था कि वो अपने अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकें या मास्क यूज़ कर सकें या हाइजीन हंटर्स को लेकर चल सकें? इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ लाइकली दैट द वायरस हैज़ बीन कैरिड इन द हिंटरलैंड। हम ये कह सकते हैं कि वायरस हमें एक बहुत बड़े हिंटरलैंड में ले जाकर खड़ा कर सकता है, जिससे कई सारे लोग इस चीज़ से इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो वायरस जो है इंडिया के अंदर कई सारे क्षेत्रों से आया, जैसे एयर ट्रेवल, बहुत बिल्कुल ट्रांसमिटेड वायरस है, ट्रांसमिशन लेवल बहुत अच्छा है इसका, तो बहुत इजीली फ्रीक्वेंटली स्प्रेड हुआ। तो क्या हमारे क्षेत्र में, हमारे एरियाज में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिसको ईजीली इन सारी चीज़ों से बाहर लाया जा सके? नहीं। तो क्या सरकार इस कार्यक्षेत्र में, इस हम कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है? तो हम उसके लिए भी अपने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोशल सिचुएशन को अगर आज देखा जाए तो इंटीग्रल पार्ट है वो, एक जो ये डिजीज़ आई है ये आज की सामाजिक दौर का को अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर तरह के वायरस और जो डिजीजेज हैं इनसे हम कभी ना कभी जूझते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। जैसे कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारी जो है चीज़ों को देखते हुए रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया कि केम इनटू प्रोमिनेंस वंस अगेन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसी फीलिंग आई जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वापस बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो इस वर्ल्ड वाइड एलिमेंट जो ये पेंडेमिक हमारे सामने आया, बट इट ऑल्सो हैज़ एलिमेंट्स पर्टिकुलर टू कंट्रीज। एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन इंडिया मस्ट कंसिडर नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ पैथोजीन बट ऑल्सो द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सोशल इकोनॉमिक, जैसे सबसे बड़ा हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कल्चर के बारे में, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए बाकी सारी कंट्रीज़ काफ़ी हद तक डेवलप्ड है, मेडिकल फील्ड ले लो या बहुत सारे क्षेत्र ले लो, गरीबी को ले लो या काफ़ी सारे क्षेत्रों में, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग भी है, तो काफ़ी क्षेत्र में बहुत संपन्न है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हमने जो अभी रिसेंट जो एक्टिविटी देखी हमारी, तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक पेंडेमिक को भी हम प्रॉपरली टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में ना तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना ही हमारे पास में सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स है या सोशल इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स है इसको हैंडल करने के लिए, इस तरह के पैंडेमिक को। सो इंडिया के अंदर ना इतनी कैपेसिटी नहीं है इंडिया में कि वो इतने बड़े लेवल पर जो बीमार लोग हैं, बीमार पेशेंट्स हैं, उनको कैरी अप कर सके, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सके और शॉर्ट टाइम में उनको इलाज प्रोवाइड करवा सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया में लार्ज, क्योंकि इंडिया में लार्ज लेवल पर मेडिकल केयर्स या मेडिसिन या हेल्थ केयर सर्विसेज जो है या स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स की अभी भी बहुत लेवल पर कमी है, है ना, हमारे पास में नहीं है वो सारी चीज़ें। तो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च परफॉर्म सर्विलेंस ऑन, देखिए लास्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 41 सेंटिनल साइट्स पर जो है फैब से लगा के 15 फरवरी से लगा के 19 मार्च तक काफ़ी सारे टेस्ट किए सार्स के। सो हमने जो डायग्नोस्टिक किट्स और लेबोरेटरीज जो इक्विप की वो सारी बहुत अच्छे से उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन कुछ जो है रिएक्शंस टेस्ट वर फ्यू, लेकिन उसके बाद भी जो रिएक्शंस हुए थे टेस्ट के वो बहुत कम थे। तो ये जो लिमिटेशन है इसे बढ़ाया जा सकता है तब जब हम एक अच्छी लेवल पे अच्छे एस्टिमेट्स बनाए रखें उन नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल्स। अब देखिए इन्फेक्टेड पीपल्स जो बढ़ रहे हैं उन्हें अगर हमें कम करना है, या हम कह सकते हैं कि अच्छा अभी जो हमारे पास में मापदंड है या हमारे पास जो किट्स है और हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले
time mein, we are not going to be able to handle these type of situation. The reason behind this, we don't have sufficient medical equipments or sufficient medical workers, or we can say the medical facilities. Okay. सो तो हमारा ये जो स्क्रीनिंग देखिए ये एक बताया है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रीनिंग लेड डाउन बाय विल्सन एंड जगनर ओवर 50 इयर्स अगो इज दैट द कॉस्ट ऑफ केस फाइंडिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स डायग्नोस्ड शुड बी इकोनॉमिकली बैलेंस्ड इन रिलेशन टू पॉसिबल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर एज अ होल तो जो जंगनर ने जो 50 साल पहले विल्सन और जंगनर ने जो किया था अपना उन्होंने एक केस फाइंडिंग किया था कॉस्ट ऑफ केस फाइंडिंग उन्होंने ट्रीटमेंट इंक्लूड किया था जिसके अंदर डायग्नोसिस किट और उसके अलावा ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाने के लिए एक प्रिंसिपल लेकर आए थे वो स्क्रीनिंग का प्रिंसिपल लेकर आए थे तो इस स्क्रीनिंग प्रिंसिपल को भी हमें मैक्सिमम लेवल पे एक्सपेंडिचर के साथ में मेडिकल के अंदर इंक्लूड करना होगा तो तभी हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा एक होल मेडिकल स्ट्रेटजी को क्रिएट करना इंडिया का काफ़ी पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के तहत भी हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड कंटिन्यूज हैंड वॉश हाइजीन हैंड हाइजीन जिसे हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो छोटे तबके में रहने वाले या हम कह सकते हैं छोटे चॉल्स में या फिर ऐसे एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं स्लम्स में जो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कर सकें या फ्रीक्वेंट क्योंकि उनके पास में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ना तो ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है अपकमिंग ऐसी कोई भी पेंडेमिक या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को सफ़र कर पाना या फेस कर पाना तो वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट लगाया कि 650 मिलियन पुअर्स जो है इंडिया में रहते हैं ठीक है द करंट पॉलिसी ऑफ जियोग्राफिकल कंटेनमेंट में प्रोटेक्ट द रिच एंड द मिडिल क्लास अभी जो हमारे पास में जो सिनेरियो और पॉलिसीज बनाई गई है गवर्नमेंट की ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ किसके लिए किसको फोकस करती है मिडिल क्लास को और रिच क्लास को ये स्प्रेड जो है अभी स्प्रेड हो रहा है जो इन्फेक्शन वो जो रिच क्लास है या मिडिल क्लास है उन लोगों को प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है या मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो उन लोगों के लिए बहुत सिंपल टास्क है लेकिन क्या ये गरीब तबके के लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर तक नहीं है क्या उन लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि वो 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन कर सकें या वो किसी भी तरीके से बार बार हैंड वॉश करके खुद को कोरोना से जो है बचाया रख सके तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इंडिया की इस कंडीशन को देखते हुए हमें कुछ चीज़ें सक्सेस स्टोरीज से देखने की ज़रूरत है हमें लर्न करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें कुछ सक्सेसफुल कंट्रीज से जैसा कि साउथ कोरिया सिंगापुर ताइवान जापान ये बहुत ही सक्सेसफुल कंट्रीज़ में आते हैं जिन्होंने इस डिज़ीज़ से बहुत जल्दी ओवरकम किया और बहुत सक्सेसफुली ओवरकम किया उन्होंने क्या किया साउथ कोरिया ने बहुत एक्टिवली फ्री मास्क और स्क्रीनिंग करते हुए स्कूल्स को क्लोज कर दिया और रिमोट वर्क पे बेस करके रिमोट वर्क को जो है रेकमेंड करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाया करीब 20,000 टेस्ट हर दिन वहां पे हुआ होते थे और डेली मास्क और सैनिटाइजर्स को बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करने की हिदायत दी गई इवन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाए गए इवन वहाँ पे सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह आती है कि वहाँ पे लॉकडाउन्स भी नहीं किए गए है ना हांगकांग के अंदर और सिंगापुर के अंदर जापान के अंदर सर्विलियंस सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया जिससे कि पोटेंशियल केसेस को सामने लाया जा सके और उनके द्वारा जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें रोका जा सके तो वहाँ पे भी डायग्नोस्टिक जो किट्स थे वो बहुत जल्दी डेवलप कर लिए गए लेबोरेटरीज की कैपेसिटीज़ को बढ़ा दिया गया और उसी के साथ कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने गवर्नमेंट एरियाज़ के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को रिकवर किया तो बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या ज़रूरत है हमें भी ज़रूरत है अपने क्षेत्र में इस लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमिक भी देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक हार्डशिप भी देखनी पड़ी हमारे गरीब तबके के लोगों को या उन लोगों को जो कि चॉल्स में रहते हैं या छोटे जो हम कह सकते हैं बस्तियों में रहते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा चाहे वो फिज़िकल ले लो या मेंटल ले लो या फिर जो हम कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी के बेसिस पे ले लो तो बहुत सारी ऐसी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो गरीब थे और जिन्हें इस कोविड-19 के थ्रू सफ़र करना पड़ा तो उसमें मेडिकल इशूज़ भी थे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे
प्राइवेट क्लिनिक्स बंद कर दिए क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स या जो नर्सिंग स्टाफ या जो और भी जो वर्किंग स्टाफ है मेडिकल स्टाफ उन सबको लगा दिया कहाँ पे कोविड 19 के कंसंट्रेटिव एरियाज में. तो वहाँ पे जो है लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ा जैसे कि चाइल्ड हेल्थ मैटरनल या इम्यूनाइजेशन या डिलीवरीज या ट्यूबरक्लोसिस इन सारी चीज़ों से बहुत सारे गरीब लोगों को सफ़र करना पड़ा और उन लोगों को सफ़र करना पड़ा जो कि जिनके लिए जो है सिटीज़ में आके गवर्नमेंट या हॉस्पिटल्स जो है वो प्रोवाइड करवा या वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता. तो बहुत इस लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत बुरा वक्त हमने देखा गरीबों के लिए. तो अब हमें ये ज़रूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कई सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कार्य करती है और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट नहीं किए जाते क्योंकि वो लोग प्रॉपर्ली इसे मेंटेन या हम कह सकते हैं लागू नहीं कर सकती. तो सरकार को ये ज़रूरत है कि वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में काम करे जिन पर कार्य करने की ज़रूरत है ना. तो अब क्योंकि इस हमने पार्शियली ओपन करने का एक डिसीज़न लिया है गवर्नमेंट ने तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम बड़े लेवल पे सरकार इस चीज़ की प्लानिंग करे कि कैसे हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रूशियल टाइम के अंदर हमें अपने आप को और अपने देश की उस जनता को सुरक्षित करना है जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को इस तरह की पेंडेमिक्स या इस तरह के जो इशूज़ होते हैं सोशल इकोनॉमिकल इशूज़ उनसे खुद को सफ़र करने से रोक सके या खुद को इन चीज़ों से बचा सके. तो इट वॉज द आर्टिकल ऑफ जॉर्ज थॉमस. तो हमने डिस्कस किया कि सोशियो इकोनॉमिक और एक इस पेंडेमिक का एक बीमारी और मेडिकल इश्यूज के अलावा भी एक एस्पेक्ट है वो सोशल एस्पेक्ट है और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है. तो उस एस्पेक्ट पे वर्क करने की सरकार को ज़रूरत है और हमें हम कह सकते हैं एडवांस वे में या प्री प्लान्ड वे में हमें चलना होगा इस तरह की बीमारी या इस तरह की अच्छा गरीबी और भुखमरी ये ऐसी बीमारी है. मुझे लगता है ये कोरोना से भी कहीं ज़्यादा स्तर पे जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी के रूप में हम कह सकते हैं. मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूबल रखती है ये चीज़ें क्योंकि कोविड 19 इज़ अ पेंडेमिक जो बहुत एक ड्यूरेशन के लिए आया है ख़त्म भी हो जाएगा लेकिन गरीबी जो बहुत सालों से चली आ रही है वो आगे भी बहुत कंटिन्यू लेवल पे दूर दूर तक कोई आसार नहीं नज़र आते हैं उसके और काफ़ी हम सफ़र भी करते हैं उन चीज़ों को लेके. लेकिन जब एक ऐसा दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि हमारे और सरकार के सामने ये चीज़ें आई है और हम लोगों को वक्त मिला है कि हम इन लोगों पर काम कर सके गरीबी पर कार्य कर सके जो एक रिच और पुअर्स के बीच के बहुत बड़ा डिफरेंस है उसे मिनिमाइज कर सके तो सरकार को आने वाले वक्त के लिए इन पर प्रयास करने चाहिए और ऐसे स्टेप्स को पुटअप करना चाहिए जिससे कि आने वाले दौर में इस तरह का कोई भी पेंडेमिक या इस तरह की कोई भी बीमारी या अन्य कई तरह की बीमारियों से जूझने के लिए सिर्फ पुअर्स वर्ड एक सफिशिएंट वर्ड ना हो. हम सारे लेवल पे सभी लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सके जिससे कि पुअर और रिच के बीच का जो फ़र्क है एटलीस्ट मेडिकल सर्विसेज या एसेंशियल सर्विसेज की जो दूरियां हैं उनको कम कर सके. सो इट वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स. एक छोटा सा मैं डिस्कशन ले लेती हूँ आपके साथ में कि सीज़ द डिस्ट्रैक्शंस एंड सीज़ द मोमेंट. देखिए अभी हमें पता है ये चीज़ कि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई है जिसके द्वारा सरकार ने अभी एमपीलेड्स और एमपीज़ एमएलएज की पीएम की हम कह सकते हैं सैलरी डिडक्ट की है. दो ऑर्डिनेंस पास किए हैं एमपीलेड्स को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए. तो ये एक बहुत अच्छा कदम है लेकिन क्या ये एक सफिशेंट स्टेप है आने वाले दौर के लिए क्योंकि एमपीलेड्स पे 5 करोड़ के लिए हम लोग करीब 25 करोड़ जितना खर्च कर देते हैं है ना. तो क्या ये इतना लार्ज अमाउंट जो हम सिर्फ जो वर्कर्स हैं. देखिए अभी रिसेंटली हमें ये पता चला कि यूएस के अंदर जो लोग पार्लियामेंट के थे उन लोगों को स्पेसिफिकली अदर अलाउंसेस पे किए जा रहे थे क्योंकि वो घर से अपना काम कर रहे थे डेली बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और वो काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे थे. तो हमने एक तरफ हम हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे लोगों के कार्य को स्पेशली एमपीज एमएलएज पीएम इज़ वर्किंग डेफिनेटली और हो सकता है एमपीज एमएलएज भी वर्क कर रहे हैं अपने लेवल पे लेकिन हमने उनके वर्क्स को मिनिमाइज करके उनकी सैलरीज को ऑर्डिनेंस के थ्रू कट शॉर्ट करने का फैसला तो ले लिया. लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन सारे ऑर्डिनेंस को क्लियर करते हुए बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए जैसे एमपीलेट का एक बहुत अच्छा कदम था एमपीलेट्स को रिमूव करना एक बहुत अच्छा कदम इसलिए था क्योंकि हम 5 लाख के पीछे करीब 25 लाख की सैलरीज पे करते थे एक्स्ट्रा अलाउंसेस पे करते थे हम
रुपीज़ को. तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस है उन्हें रिड्यूस करके सरकार को ज़रूरत है कि उस दिशा में कार्यरत करे या इन पैसों को उस जगह काम ले जो कि आने वाले दौर के अंदर गरीबों या हमारे उस क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य कर सके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना हो पाने के कारण या कई सारी बीमारियों के कारण आए दिन अपनी जान गंवा बैठते हैं. तो हमें ज़रूरत है कि हम टेक्निकली और मेडिकली सभी तरीके से अपने आप को साउंड करें, हमारी गवर्नमेंट इस क्षेत्र में कार्य करे और हम लोग इस ये जो एक जो दौर हम निकले हैं लॉकडाउन के दौर से, तो हम इससे बाहर आकर कुछ और भी क्षेत्रों में कार्य कर सकें या कुछ क्षेत्रों के लिए बारे में सोच सकें. तो ये सरकार का कार्य है कि वो इन चीज़ों से सीख ले और आगे भी कार्य करे. बहुत सारे डिसीजन सरकार ने अच्छे लिए, तो काफ़ी सारे डिसीजन जो हैं काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि वर्किंग ऑफिशल्स को इस बारे में सोचने विचार करने की ज़रूरत है और सरकार को उनके द्वारा सुझवाने की ज़रूरत है कि हमें किस फील्ड में कैसे कार्य करना है. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है इसे आप पढ़िएगा. मैंने आपसे थोड़ा सा छोटा सा एक डिस्कशन किया है इस बारे में कि हमने बहुत सारी चीज़ों को कट शॉर्ट किया, डिडक्ट किया, बहुत सारे मापदंड अपनाए, लेकिन क्या ये मापदंड किसी भी लेवल पे सरकार द्वारा अपनाए गए मापदंडों को हम कह सकते हैं फुलफिल करता है, या काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम एक्स्ट्रा बेवजह का फिजूल जिसे हम कह सकते हैं पे कर रहे हैं. तो उन सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करके हम उन क्षेत्रों की तरफ कार्य कर सकते हैं जहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत है. तो इट इज़ ऑल अबाउट द सीज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड सीज द मोमेंट. मतलब जो हम लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या हर क्षेत्र में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं, इस तरह के चीज़ों से हट कर हमें उन क्षेत्रों में वास्तविक रूप से कार्य करने की ज़रूरत है. तो आप इसे पढ़िएगा, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आएगा. फैक्ट है इसके अंदर और काफ़ी दिलचस्प फैक्ट है. अगर आप इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे समझ पाएंगे इस तरह के फैक्ट्स को, है ना, जो कि अभी ज़रूरत भी है हमें, क्योंकि हम COVID-19 के बारे में बहुत सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन COVID-19 से होने वाले इफ़ेक्ट्स को आज हमने इस आर्टिकल में डिस्कस करना ज़रूरी है और किया भी है इन शॉर्ट. और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बैठकर इसे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और आपको अगर कोई इशू क्रिएट होता है, आपको कोई क्वेरी होती है, तो आप डेफिनेटली से कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए मुझे क्वेरी. आई विल डेफिनेटली आंसर यू अबाउट इट. एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. आगे भी हम रेगुलर बेसिस पे जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उस बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं तो आप मुझसे शेयर कीजिए. इसके अलावा एक और न्यू इनिशिएटिव हम लेकर आए हैं. हम लोग वीकली बेसिस पर जितने भी आर्टिकल्स जो पेंडिंग रह जाते हैं या जो इम्पॉर्टेंट है उसे कंपाइल करके एक सिंगल टॉपिक के ऊपर सिंगल आर्टिकल्स बेसिस एक प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे और वो आपके साथ में शेयर करेंगे हम लोग वीडियो के तौर पर भी और PDF के तौर पर भी. तो बी विथ अस एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट एवर material. Okay, so thanks for being with me. This is Aayushi Joshi on the channel of Achieve IAS. Bye bye, take care, have a nice day.